केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने गुरुवार को 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम घोषणा के बाद बाड़मेर से इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच सीबीएसई ने गुरुवार को अचानक 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। अमूमन मई महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में सीबीएसई की ओर से 12वीं बोर्ड का परिणाम घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार सीबीएसई ने मई माह की शुरुआत में ही परिणामों की घोषणा कर सबको चौंका दिया। जैसे ही परिणाम की घोषणा हुई, इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने अपना रिजल्ट जानने के लिए साइबर कैफे, कंप्यूटर और मोबाइल पर प्रयास शुरू कर दिए। सीबीएसई की वेबसाइट के रिजल्ट सेक्शन पर एकाएक ट्रैफिक बढ़ने से वेबसाइट पर सर्वर हो गया। विद्यार्थियों में परीक्षा परिणाम जानने की उत्सुकता इस कदर थी कि देर शाम तक वे कंप्यूटर और मोबाइल पर रिजल्ट देखने के लिए प्रयास करते रहे। वहीं दूसरी ओर अच्छे अंक मिलने पर जहां विद्यार्थियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करा, खुशी का इजहार किया, वहीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर खुशी मनाई। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सफल रहे विद्यार्थियों ने डीसीएन लाइव से मुखातिब होते हुए खुशी का इजहार किया और इस कदर भविष्य की अपनी कार्य योजना के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। हाँ, रिजल्ट तो आ गया, लगभग 1 PM के करीब आया था और मेरा 83% बना। क्या खुशी है आपके परिवार में और आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे मैनेजमेंट की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेड था, जितना अच्छे से किया था उतने परसेंटेज आ रहे थे। हाँ, रिजल्ट तो बहुत अनएक्सपेक्टेड आया था, मतलब कुछ मालूम था नहीं, सडनली आ गया रिजल्ट। रिजल्ट अच्छा था, 91% बने और उम्मीद है इससे अच्छे आ जाते, बट जितने अच्छे मैं सेटिस्फाइड हूँ। आगे क्या पढ़ने? आगे तो वैसे रिसर्च लाइन में जाना है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका प्लान है। तो मेहनत भी उतनी परसेंटेज है तो हो जाएगा उसमें। सीबीएसई की ओर से इस बार मई माह की शुरुआत में ही 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया गया है। परिणाम जारी होने के बाद सफल विद्यार्थियों में जश्न का माहौल है। देर शाम तक विद्यार्थी अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए।